गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपनी क्षितिज भाग एक में संकलित कविता दो वाक, जो कवियत्री लद्यद के द्वारा लिखी गई हैं, इस कविता के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर एक, रस्सी वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, यानी कि कवियत्री ने रस्सी जो शब्द प्रयोग किया है वह कैसी है। यहाँ पर रस्सी जो है मनुष्य शरीर के अंदर निरंतर चलने वाले सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत कमज़ोर है। क्वेश्चन नंबर दो, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवियत्री स्वाभाविक रूप से कमज़ोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार ले जाना चाहती है, पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है, इसलिए उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, कवियत्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। सभी संतों के समान कवियत्री भी कहती हैं और मानती हैं कि उसका वास्तविक घर वहाँ है जहाँ परमात्मा बसते हैं, क्योंकि जीवात्मा वहीं से आई थी और वहीं लौट जाना चाहती है, इसलिए कवियत्री को अपने घर जाने की चाह बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर चार, सब इनका भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, क और ख दो भाग हैं। क भाग, जेब टटोली कोड़ी न पाई, यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्ति नहीं मिल पाई, परमात्मा के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया, सत्कर्म ही नहीं किए। जब आत्मलोचन किया तो पता लगा कि हमने जीवन व्यर्थ गंवाया है, जीवन में कोई भी सत्कार्य नहीं किया। भाग खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्ति में कवित्री का आशय है कि माया संसार में सुखों की प्राप्ति की कामना करते हैं, तरह तरह के सुख उपभोग के साधन जुटाते हैं जिससे परमात्मा नहीं मिलते। बाह्य आडंबर यानी बाहरे दिखावे बहुत करते हैं और उन साधना का सहारा भी लेते हैं। स्वयं को कष्ट देकर सिद्धि पानी चाहिए, भूखे रहकर ब्रह्म को पाना चाहा, पर इससे तो कुछ नहीं मिला। बस स्वयं को संयमी समझकर अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया और मन उसमें समा गया। क्वेश्चन नंबर पाँच, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्यद ने क्या उपाय सुझाया है। कश्मीरी कवियत्री जो हैं, लद्यद ने सुझाया कि मानव तो अपने अंतकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर अपने तन मन पर नियंत्रण रख, जब तेरी चेतना जाग जाएगी इतनी व्यापक हो जाएगी कि तेरे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो, तब तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और आडंबर करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर छः, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। पीछे आपको इसमें बता दें कि ये पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुन्व से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेव टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई, ये भाव उन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर सात, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। कवियत्री का ज्ञानी से अभिप्राय उस मानव से है जो बिना आडंबर रचाए सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है। वह माया जाल से दूर रहता है, जात पात और भेदभाव से दूर रह कर
आत्मलोचन करता हुआ सत्कर्मों में लीन रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो रचना और अभिव्यक्ति से लिया गया है। हमारे संतों भक्तों महापुरुषों में ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। इसके दो भाग हैं। क भाग, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? यहाँ हमारे यहाँ साधु संतों भक्तों महापुरुषों ने मनुष्य को आपसी भेदभाव दूर करने के लिए बार बार चेताया है, यानी बार बार जगाया है, फिर भी जात पात छोटे बड़े अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित ऊंच नीच आदि तरह तरह के भेदभाव उनमें सदा उनको सदा घेरे रहते हैं। इस कारण लोगों में मानसिक द्वेष बढ़ता है, वे एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके जीवन और कामकाज पर पड़ता है। मन के जो कुंठित विचार हैं वे मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना देते हैं। मनुष्य के अंदर हीन बुद्धि के भाव पैदा हो जाते हैं। वे एक दूसरे को छूने से बात करने से उनके पास बैठने से भी परहेज करने लगते हैं। ऐसे लोग मिलजुल कर बाँट खाते नहीं, पारिवारिक संबंध नहीं बना पाते। जिस समाज या देश में जितने छोटे टुकड़े होंगे वह उतना ही कमज़ोर होगा और समुचित उन्नति नहीं कर पाएगा। भाग ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपने सुझाव दीजिए। बच्चों यहाँ पर आपस के जो भेदभाव होते हैं उनको मिटाने की बात कही गई है। आपसी भेदभावों को मिटाने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति का बौद्धिक विकास पूरी तरह नहीं हो सकता। अच्छे बुरे के बीच भेदभाव खत्म करने का विवेक उसे प्राप्त नहीं होता। वे कुएं में मेंढक की तरह संकुचित मानसिकता के हो जाते हैं। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आर्थिक विषमता का भी दूर होना आवश्यक है। अमीर गरीब के बीच की खाई भेदभाव को बढ़ाती है। नर नारियों पर लगे तरह तरह के प्रतिबंध पूर्ण रूप से मिटा देने चाहिए। नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नारी शिक्षित होकर अपने परिवेश से ऐसे विचारों को दूर करने में सहायक बन सकती है। कुछ स्वार्थी लोग भी हैं जो उनके द्वारा भेदभावों को बढ़ाने के संबंधी ऐसे भ्रामक यानी कि मन को भ्रमित करने वाले विचारों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं इसे दंडनीय अपराध भी मानना चाहिए। भोली भाली जनता को बहका न सके इसका कठोर दंड मिलना चाहिए। बच्चों इस वीडियो में वाक के ये क्वेश्चन 8 जो करवाए हैं इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे।